बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत नदी गांव में किए जा रहे अवैध उत्खनन के लगातार शिकायत पर बरमकेला तहसीलदार राकेश शर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार राकेश शर्मा और उनकी टीम के द्वारा नदी गांव रेत घाट में दबिश दी गई, जहां 3 रेत से भरे ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई और सरिया थाना के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही नदी गांव रेत घाट के 2 रास्तों को भी बंद करवा दिया गया है। आपको बता दें, इस घाट से रेत खनन की कोई रॉयल्टी नहीं है, जहाँ से रोजाना 100 से भी ज्यादा ट्रैक्टर रेत लाने ले जाने का काम करते थे, जिस पर तहसीलदार राकेश शर्मा के द्वारा कोटवार सहित सरपंच को निर्देशित किया गया है। यदि इस कार्रवाई के बाद कोई रेत खनन करते पाया गया तो उस पर सीधे FIR की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। महानदी जो नदियों पे है, यहाँ पे रेत अवैध रेत खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, यहाँ अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी तो आज सुबह यहाँ दबिश दी गई। मौके पर 3 ट्रैक्टर पाया गया, जिन्हें जब्त करके थाना को सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण कलेक्टर महोदय रायगढ़ को प्रेषित कर दिया गया। आए दिन शिकायत होती है कि यहाँ सैकड़ों गाड़ी जो है अवैध उत्खनन करके ले जाते हैं, इस पर आपके द्वारा मुहाने पर यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ अवैध उत्खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी। 3 दिन पहले भी 4 ट्रैक्टर जब्ती किया गया था। अवैध उत्खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए जो रास्ता बनाया गया है इनके द्वारा, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। उसमें पत्थर और लकड़ी के टुकड़े करके रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि अवैध उत्खनन पर रोकथाम लगाई जा सके।